अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल का सेकंड लेक्चर समझेंगे। आज का लेक्चर का टॉपिक है क्रिएटिंग ए सिंपल वर्कशीट या क्रिएट ए सिंपल रिजल्ट शीट बनाएंगे। एक वर्कशीट पर काम करेंगे जिसमें एक सिंपल सा रिजल्ट शीट क्रिएट करेंगे। टॉपिक्स क्या है आज के? वही रिजल्ट शीट बनाना है। इसमें हम फंक्शंस क्या यूज़ कर रहे होंगे? सम फंक्शन यूज़ करेंगे, एवरेज यूज़ करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम का फंक्शन यूज़ करेंगे। आइए एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। अब देखें, ये पहले से मैंने एक सिंपल सी शीट तैयार कर रखा है। मैंने जस्ट डेटा जिसमें इनपुट किया है, जिसमें सीरियल नंबर, नेम, कुछ मार्क्स, सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हैं, जिसमें मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, फिज़िक्स और इनके कुछ नाम लिखे हैं, उनके कुछ फर्जी नंबर दिए इनको मैंने। अब मालूम क्या करना है हमने? ऑप्टेंड मालूम करना है, यानी कि इन सब का सम क्या होगा, ऑप्टेंड मालूम करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम कर रहे हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं वो करेंगे इसमें, और परसेंटेज क्या बनी है वो मालूम करेंगे इसमें। अब देखें, सबसे पहले ऑब्टेंड, देखो जैसे कि लास्ट लेक्चर में एक थोड़ा सा सिंपल तरीका, आसान तरीका बताया था हमने कि इक्वल टू सेलेक्ट करें, नंबर सेलेक्ट करते जाएँ, प्लस प्लस और सेल सेलेक्ट करते जाएँ, बस सेल रेफरेंस दे रहे हैं, तो इससे भी सम हो रहा है, जमा हो रहा है। लेकिन हमारे पास सम का फंक्शन भी है, फंक्शन इक्वल टू सम फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट दरमियान में मैंने क्लिक करना है, इस ब्रैकेट के दरमियान में, और क्लिक एंड ड्रैग तक, जहाँ तक मैंने सम करना है सबको क्लिक एंड ड्रैग करते जाना है मैंने। अब देखें, जब क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ ये सेलेक्ट हुआ आ रहा है, और यहाँ इधर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, D3:H3। जैसे कॉलन जो लगता है ये रेंज बताते हैं हम इसमें, एक्सेल के अंदर क्या बताते हैं, रेंज, यानी कि इसे ये बता रहा हूँ D3 से H3 तक के दरमियान में जितना भी डेटा है सबको क्या करो, सम करो D3 से H3 तक का डेटा। अब देखें, D3 से H3 सब सेलेक्ट किया हुआ है, ये D3 आ रहा है देखिए ज़रा, और इस तरह H तक आ रहा है ये, तो ये सबको क्या करेगा, सम करेगा। इंटरप्रेस करेंगे, देखिए इसने रिजल्ट शो कर दिया 379 मार्क्स। अब बाकी पे अप्लाई करना है तो आप सिंपल क्लिक करें, यहाँ जो छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है ये ऑटोफिल फीचर है, क्लिक एंड नीचे ड्रैग करें, देखिए ज़रा ऑटोमेटिक सब पे अप्लाई हो रहा होगा, जैसे देखें सब पे अप्लाई ऑटोमेटिक हो गया इसमें। ये तो फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ मैं, कैसे करना होगा, इक्वल टू सम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, राइट ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे बीच में क्लिक किया और क्लिक एंड ड्रैग कर दिया इसको हमने, यहाँ से यहाँ तक इंटरप्रेस किया, देखिए ज़रा ये अप्लाई हो गया। और बस एक और तरीका भी है इस सम फंक्शन को अप्लाई करने का, और वो इससे भी ज़्यादा आसान तरीका है, क्लिक करें। अब देखिए ज़रा होम टैब में बिल्कुल आखिर में ऑप्शन में देखिए ज़रा ऑटो सम दिया हुआ, यहाँ पे सम क्लिक किया। अब देखिए जैसे सम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये अपने ये ऊपर वाले को या फिर लेफ्ट वाले को सेलेक्ट कर रहा हो, तो इस बार इसने क्या किया, टॉप वाले को करता है, ज़्यादातर ये टॉप वाले को सेलेक्ट करता है, लेकिन हमें सम तो इनको करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ क्लिक, सॉरी इधर इस साइड पे क्लिक एंड ड्रैग किया तक मैंने, अब देखिए ये सेलेक्ट हो गया। इस तरह भी सम कर सकते हैं, इसमें क्लिक किया और यहाँ नीचे तक ड्रैग किया, यहाँ पर आ गया। टोटल मार्क्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं सबके, 100 मार्क्स में ला लेते हैं, 100, 100, 2, 3, 4, 5, मतलब 500 टोटल मार्क्स कर लेते हैं, 500 कर लिया, बाकी हमने 500 ही रखना है इसको। परसेंटेज, परसेंटेज का फार्मूला जैसे रियल लाइफ में परसेंट मालूम करते हैं, वही सेम फार्मूला हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। रियल लाइफ में परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, ऑब्टेंड को डिवाइड करते हैं टोटल से, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको 100 से। यहाँ भी इस तरीके इस्तेमाल करेंगे, क्या करना है, इक्वल साइन दिया, ऑब्टेंड मार्क्स क्या है हमारे पास, ये वाला ऑब्टेंड मार्क्स है, सेलेक्ट किया देखो मैंने I3, डिवाइड के लिए स्लैश लाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे आप, फिर ये टोटल को सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक ऑर्डर यूज़ करेंगे, स्टार दे दिया, इस किससे करना है, 100 से करना है। ये सिंपल परसेंटेज का फार्मूला था, क्लिक करें, नीचे तक ड्रैग करें, अब देखें ऊपर से नीचे तक सबके सब सेलेक्ट हो गए। अब जैसे देखिए ज़रा, अब मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि क्लास का सबसे मिनिमम रिजल्ट क्या बना है, और कम से कम परसेंटेज क्या बनी है, तो यहाँ पे एक मिनिमम मालूम करना है मैंने, मैक्सिमम मालूम करना है, और क्लास का एवरेज रिजल्ट मालूम करना है, मिनिमम कम से कम। ये तो थोड़ा सा डेटा है, हम चाहें तो खुद से ही इसको मालूम कर सकते हैं, लेकिन अगर कंसिडर कर लें, इमेजिन कर लें कि डेटा बहुत ज़्यादा है, 50-60 स्टूडेंट्स हैं, 100-200 हैं, ऐसे भी ज़्यादा हैं, तब आपको मिनिमम मालूम करना हो या मैक्सिमम मालूम करना हो तो आपके लिए इशूज़ कुछ होंगे। तो यहाँ हमारे पास आसान से तरीका है, क्या करेंगे, इक्वल टू MIN जिस तरह फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, इस तरह लिखें, लेफ्ट ब्रैकेट,
राइट ब्रैकेट, यहाँ इधर ब्रैकेट में क्लिक करें और नीचे क्लिक एंड ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिए सारे, इंटर किया। अब देखिए सर सबसे कम से कम रिजल्ट क्या बना है, 67.8 रिजल्ट बना है। इस तरह मैक्सिमम में अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू मैक्स लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट, क्लिक किया हमने इसको, क्लिक एंड ड्रैग यहाँ से इधर कर लिया, इंटर प्रेस कर लिया, देखिए जरा मैक्सिमम आ गया। एवरेज रिजल्ट, एवरेज क्या है आपको पता होगा, अब यहाँ कैसे मालूम करेंगे इसमें, यहाँ सिंपल देखें इक्वल टू एवरेज लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट, यहाँ स्टार्ट किया ऊपर से लगा नीचे तक क्लिक एंड ड्रैग कर लिया, इंटर कर लिया। अब देखें यहाँ पे इसमें एवरेज रिजल्ट शो कर रहा है हमें ये। तो इस तरह हमने मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज मालूम किया, कैसे मालूम करते हैं ये आपने देख लिया उसमें। तो आज के टॉपिक हमारे ये छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने आपको नोट किया था, मैंने सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम मालूम किया हमने इसमें। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह की मार्कशीट भी बनाएगा, आप डेटा थोड़ा ज़्यादा डालिएगा इसमें सर, उसको प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्वेश्चन ईमेल कर सकते हैं या स्कैप कर सकते हैं, स्कैप के जरिए से आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।